मान के साथ, पूरे अदब के साथ, पूरे आदर के साथ निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि शिव कुमार सिंह विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और सभी के दिलों में बसने वाले आदरणीय श्रीमान राकेश वर्मा जी से आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आपके और हमारे पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़े वर्षों से बीडीसी के अध्यक्ष श्री मदनलाल वर्मा जी, प्रधान आपकी जो मतियाना की कलिंडा पंचायत है इसके विक्रांत गंगरोकटा जी, शरी की प्रधान शीला जी, रौनी के प्रधान प्रभा चंदेल जी, कलजार की प्रधान सुमित्रा चंदेल जी, ठियोग की नगर परिषद की अध्यक्षा वंदना जी, उपाध्यक्ष जी और ठियोग से जुड़े अमर उजाला के हमारे, हम तो ये कहेंगे पत्रकार बंधु के नाम से, वैसे ब्यूरो चीफ का कार्य भी कर रहे थे श्री शांडलिया जी, हमारी ठियोग की एक ऐसी शख्सियत है यहाँ पे मतियाना की श्रीमती सुनौरू जी, जो बावजूद उम्र के इनका जोश हर साल बढ़ते जाता है, आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है आप सबको कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। और यहाँ पर उपस्थित इस डांगरू के आयोजन में तमाम छात्र एवं छात्राएं, इस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित अन्य पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों और खास तौर पर दर्शक दीर्घा में बैठे वो तमाम दर्शक, क्योंकि कोई भी कलाकार जब तक दर्शक सामने ना हो, कलाकार अपनी कला को दर्शा नहीं पाता, जब तक उसको प्रोत्साहन ना मिले तब तक वो निखर नहीं सकता। तमाम दर्शक, नौजवान, सबसे पहले मैं इस एसोसिएशन के आयोजकों को अपनी ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। जब मैं बैठा था तो पत्रकार मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई 2 मिनट आपका समय लेना है। उन्होंने ये पूछा कि जो ये इस किस्म के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, क्या इससे कल्चर को बढ़ावा मिलता है? अच्छा होता वो यदि यहाँ पे बैठे होते, मैंने पा रहा हूँ कि शायद वो चले गए। तो निश्चित तौर पे जो अभी अभी जो ये इससे पहले जो ये चोलटू नृत्य हुआ था, वो ठियोग और जो हमारी मंदिर होते हैं जिनको देवठी बोलते हैं, जो देवठियों की प्राचीन कला है, प्राचीन जो प्रदर्शनी करते हैं, देवठी में देव नृत्य करते हैं, उससे उनको ये पता लगता कि वाकई ही जो कल्चर है, ये जो नन्हे मुन्ने बोलूंगा, हमसे छोटी उम्र के हैं जो छात्र एवं छात्राएं हैं, इस मंच से वो दर्शाते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो कितना, अंग्रेजी में जिसको रिच कहते हैं, कितना गहरा है, कितना विस्तृत है वो। और साथ ही साथ इसके अलावा जो फोटा नृत्य किया, नाटी की, और इसके अलावा अन्य जो कलाकार थे हमारे पहाड़ों से आए हुए, जो हमारा कल्चर, जो हमारे गीत है, गीतों के साथ इतिहास जुड़ा है, वो दर्शा रहे थे। निश्चित तौर पे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों ने इस मंच से जो हमारा रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, खासतौर पे शिमला जिले का, और खासतौर पे आपने जो मतियाना क्षेत्र है, आपने दर्शाया ही नहीं बल्कि सबको मनमोहित कर दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से, ठीक है, दुनिया आगे बढ़ती है, नई चीजें जाननी होती है, आगे को बढ़ना होता है, अंग्रेजी वेस्टर्न वो भी करना पड़ता है, पर जो अपना कल्चर है वो कभी भी नहीं भूलना पड़ता। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे जब जब जिस जिस मंच पे आप लोगों को मौका मिलेगा, बाकी नृत्य बाकी चीजें तो करेंगे ही करेंगे, पर जो हमारा कल्चर है, प्राचीन परंपराएं हैं, इनको दुनिया को आप दिखाने का प्रयास भी करेंगे
और निश्चित तौर पे वो भी ये पाएंगे कि भाई जो हमारे प्रदेश को देवी देवताओं का प्रदेश कहते हैं, रिच कल्चरल प्रदेश कहते हैं, तो वो भी इसकी जानकारी रखेंगे। बाकी बच्चों, छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों के ऊपर देश को बहुत नाज है, आप लोग कल का भविष्य है। तो मैं जानता हूं कि जिस दिशा में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जिस दिशा में देश और प्रदेश को ले जा रहे हैं, ये तो बड़े फख्र की बात है। छात्रों का फंक्शन है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम, देश में प्रथम आया, तो उसके लिए छात्रों को भी बधाई देता हूं। सरकार का योगदान है, अध्यापकों का योगदान है, पर निश्चित तौर पे इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी और हमारे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी है, उनका भी और आप सबका योगदान है। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा है, इसमें तमाम हिमाचली और खासतौर पे पढ़ने और पढ़ाने वालों का बहुत योगदान है, आपको बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस मंच से, जो मैंने कहा कि भाई आप भविष्य है, आपके ऊपर देश की जिम्मेवारी है, निश्चित तौर पे जिस दिशा में जा रहे हैं आप लोग उस चीज़ को हासिल करवाएंगे ही करवाएंगे। बाकी मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तो केवल यही कहूँगा, आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, बुला के शायद कुछ लोगों ने शब्दों द्वारा इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी कि जिसके योग्य शायद हो सकता है हम ना हों, पर कोशिश में आपसे वायदा करता हूँ, जो आपने हमसे उम्मीद रखी है उन उम्मीदों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कभी भी हम जो ठियोग है, मतियाना है, कोटगढ़ है, कुमारसन है, जहाँ के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, थोड़ी बहुत कमी रह गई वो बात और है, पर आशीर्वाद दिया, हम उस आशीर्वाद का बदला चुकाने का प्रयास करते ही सदैव करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, जहाँ मैं आप सबको बधाई देता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप आज कल्चर वाले मंच पे, कल जो आपको और जिम्मेवारियां मिलेगी उस मंच पे भी अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।